युद्ध के बीच आज मॉस्को में सीएसटीओ का शिखर सम्मेलन है। सीएसटीओ मीटिंग में रूस समेत सभी 6 सदस्य देश हिस्सा ले रहे हैं। कौन कौन से? रूस के अलावा बेलारूस तो खुलकर इस युद्ध में रूस के साथ है ही, लेकिन फिर अर्मेनिया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे देश भी अब रूस के साथ इस सीएसटीओ की मीटिंग में शामिल होंगे। नेटो के खिलाफ सीएसटीओ के देशों को एकजुट करने की तैयारी है। यूक्रेन से जंग के बीच पहली बार रूस में इतनी बड़ी बैठक हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बैठक से कोई असर नेटो की सेहत पर पड़ेगा? तो रूस और यूक्रेन को लेके ये जो युद्ध जारी है, एनालिसिस लगातार हो रहा है। मेहमानों से दरखास्त करेंगे कि आगे की तरफ आए, और लगातार अलग अलग खबरें आ रही हैं, इन खबरों पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। ये देखना होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब कहां आगे तक बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ नेटो का इन्वॉल्वमेंट किस कदर बढ़ेगा, फिनलैंड स्वीडन का क्या एक्शन है, उस पर भी नजर रहने वाली है। और बड़ी खबर सीएसटीओ की अहम बैठक को लेकर भी है। हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है। रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर सर हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी सर मेरे साथ मौजूद हैं, और साथ ही कर्नल यूएस राठौर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत सीएसटीओ की बड़ी बैठक के साथ ही करते हैं सर। क्या यह नेटो के खिलाफ एक तरह की मोर्चाबंदी होगी, और आज युद्ध जब 82nd डे में प्रवेश कर चुका है, तो किस तरह से इस बैठक को देखें, इस पर आप रिएक्शन दीजिएगा सर। उससे पहले इसके बीच क्या कुछ खबर आ रही है, क्या इसकी डिटेल्स हैं सीएसटीओ की बैठक को लेकर? देखिए, युद्ध के बीच में इस बैठक का होना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और साथ ही सीएसटीओ का जो मतलब है वो है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब जो सीएसटीओ है, इस सम्मेलन में सभी 6 सदस्य देश हिस्सा लेने वाले हैं, और सीएसटीओ में रूस, बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और साथ ही ताजिकिस्तान भी है। आज की इस बैठक में सभी 6 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो शामिल होने वाले हैं। इस बैठक में नेटो देशों के खिलाफ अहम रणनीति पर चर्चा की जाएगी। नेटो में 30 देश हैं, जबकि सीएसटीओ में सिर्फ 6 देश शामिल हैं, यानी 30 देश वर्सेस 6 देश। ये जो मोर्चाबंदी नेटो के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है, इसका बेस, इसका आधार क्या हो सकता है, और क्या होगा सीएसटीओ की इस बैठक में? सर, क्या उम्मीदें इस बैठक से निकाली जाए, खास तौर से युद्ध के बीच? देखिए, मैं बहुत जरूरी है रूस के लिए, उसको समर्थन चाहिए, कुछ और समर्थक चाहिए, कि जो अभी जो नेगेटिव पब्लिसिटी चल रही है कि रूस हार रहा है, वो पीछे हट रहा है, और नाटो जो है काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है, 2 और उनके पास ज्वाइन करने जा रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन। तो ये जरूरी है कि रूस भी अपने जो ये समर्थक उनके साथ 6 देश हैं, उनको मिल करके और एक रणनीति बनाए। और मुझे लगता है 2 चीज़ें हो सकती हैं इसमें। एक बात हो सकती है कि क्या इन जगहों पर रूस कुछ अपने ट्रुप्स या मिसाइलें तैनात करेगा, उस पर डिस्कशन हो सकता है, जिससे कि एक घेराबंदी जो नाटो कर रहा है उसके लिए कोई रणनीति अपनाई जाए। लेकिन मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, फ्राइडे को 1 घंटे बात हुई है रूसी डिफेंस मिनिस्टर सरगेई से और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस अमेरिका से, ब्लिंकन ने दिन दोनों लोगों ने 1 घंटे बात की है। उसके बाद 2 चीज़ें हुई थी। अमेरिका ने बोला था कि हम जो है उनको इंटेलिजेंस नहीं देंगे यूक्रेन को, रशियन जनरल्स के खिलाफ। दूसरी चीज़ हुई थी, न्यूज़ आई थी कि खार्किव से रूस पीछे हटने लगा है, और तीसरी न्यूज ये आई है कि इनके साथ मीटिंग चल रही है। इसका मतलब यह है कि ये अपनी गुटबंदी बनाने में दोनों लगे हुए हैं, नाटो और रूस, और ये जरूरी है कि ये देश मिलके अगर काम करते हैं, और अगर कहीं इस पर समझौता होता है कि इनके बीच में रशियन ट्रुप्स तैनात हो सकते हैं या इनके मिसाइल तैनात हो सकती हैं, तो ये रूस ये युद्ध जो है काफी लंबा खींचेगा। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।